हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट लुपिन सीजन 2, जिसमें टोटल 5 एपिसोड्स है, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 42 मिनट से लेके 50 मिनट्स के बीच में, और ये आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाती है। खैर, बॉलीवुड को मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग फ्यूचर में धूम 4 मूवी बनाना चाहते हो, तो यार अगर आपके पास कहानी नहीं है तो सिंपली अरसिन लुपिन की बुक पढ़ो, उसमें आपको कोई ना कोई स्टोरी मिल जाएगी। क्योंकि अरसिन एक ऐसा चोर था जो रूप बदलने में माहिर था, उसको पकड़ना नामुमकिन था, और अगर एक बार उसको पकड़ लेते तो बच के निकलना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। यानी कि अरसिन लुपिन हमेशा एक कदम आगे ही चलता था, चाहे वो लोग हो, चाहे वो पुलिस वाले हो, सब से। खैर, बात करेंगे इस पर्टिकुलर शो की, तो देखो यह सीज़न 1 जहाँ पर ख़त्म होती है, यानी कि एसेन डोप उर्फ नया लुपिन, उसके बेटे राहुल का हो गया था किडनैप। अब उसके बाद कहानी में क्या कुछ होता है, कैसे असेन अपने फादर का रिवेंज लेता है पेलेग्रिनी से, ये सब कुछ जानने के लिए आपको सीजन 2 के 5 एपिसोड्स देखने पड़ेंगे। यार एक ही चीज़ बोलूँगा कि यार मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ इस पर्टिकुलर शो का, और सीज़न 1 मुझे जितना ज़्यादा अच्छा लगा था, सीज़न 2 मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा। चीज़ों को और भी अच्छी तरह से आगे बढ़ाया और कैरेक्टर डेवलपमेंट भी और बढ़िया किया है। सिनेमेटोग्राफी हमेशा से इस पर्टिकुलर सीरीज़ की बहुत ही अच्छी रही है, और BGM तो वन ऑफ माई फेवरेट BGM ऑफ नेटफ्लिक्स सीरीज़ लुपिन। ऐसे भी शोज़ होते हैं जिनको मैं रिव्यू करने के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए देखता हूँ, यानी कि मैं खुद भी इंटरेस्टेड होता हूँ उस पर्टिकुलर शो में, और लुपिन उन्हीं में से एक है। फिर अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यार उमर शेख, जिन्होंने यहाँ पर एसेन डोप का रोल प्ले किया, यार मैं तो उनका फ़ैन हो गया। जिस तरह से वो यार एक्सप्रेशन है उनके, जो चलने का स्टाइल, यार जिस तरह से वो चीज़ें कर रहे हैं इस शो में, बहुत ही गजब के परफॉर्मेंस किया। और उसके अलावा जितने भी जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, सब लोगों ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया, और जो इसका क्लाइमैक्स है सीज़न 2 का, वो बहुत ही गजब का है। मतलब ये चीज़ बताता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट थीफ्स इन द वर्ल्ड, एसेन डोप उर्फ नया लुपिन। और रही सवाल इसके सीज़न 3 की, तो यस सीज़न 3 आएगा, बट सीज़न 2 में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि फैंस के डिमांड की वजह से, और ये पर्टिकुलर ऐसा कैरेक्टर है जिसको और भी आगे बढ़ाया जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इसको बढ़ाने की, तो इसका सीज़न 3 डेफिनेटली आएगा, और ऑलमोस्ट 5 ही एपिसोड्स होंगे। क्योंकि ये लोग बहुत ही बढ़िया, ये जो 5-5 एपिसोड रिलीज हो रहे ना, तो उसमें ऑडियंस बोर भी नहीं होती, और एपिसोड्स की लाइन इतनी नहीं है, तो उस वजह से आपका इंटरेस्ट भी बना रहता है। क्या पेरेंटल गाइडेंस के लिए इतना ही बोलूँगा, ये शो में 2-3 जगह पर किसिंग सीन है बस, उसके अलावा कुछ भी एडल्ट है नहीं। तो अगर आप लोग चाहो तो देखो, आपकी मर्जी। इस शो को रेटिंग 8.5 out of 10, डेफिनेटली इट्स अनवॉचेबल शो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।